हेलो, वेलकम टू के स्पाइस। आज हम बनाएंगे तरबूज के छिलके की सब्ज़ी। गर्मियों का मौसम है और तरबूज तो सभी के यहाँ आता है, लेकिन हम उसके छिलके को फेंक देते हैं गार्बेज में। आज हम इसी छिलके से बनाएंगे खट्टी मीठी सब्ज़ी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम तरबूज के ग्रीन पोर्शन को और वाइट पोर्शन को अलग अलग कर देंगे। ये जो व्हाइट पोर्शन है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। पूरे तरबूज को हम इसी तरह से काट लेंगे। आज हम यहाँ पे 2 कप तरबूज के छिलके की सब्जी बनाएंगे। सब्जी के लिए हम 1 टेबलस्पून ऑयल को कढ़ाई में गरम करेंगे। तेल गरम होने पे हम उसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हींग और 1/2 टीस्पून सौंफ भी डालेंगे और इसमें हम 2 कप कटा हुआ तरबूज डालेंगे। इन सबको मिला लें और फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर। इन सभी मसालों को आप अच्छे से मिलाकर फिर हम इसे ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे मध्यम आंच पे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सब्जी कढ़ाई में चिपक रही है तो आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं। 5 से 7 मिनट में सब्जी अच्छे से पक जाती है। अगर आपको थोड़ी सी क्रंची चाहिए तो इसे कम टाइम के लिए पकाइए। 5-7 मिनट में हमारी सब्जी पक जाती है। हम इसका ढक्कन निकाल देते हैं और फिर हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच अमचूर का पाउडर, 8 से 10 करी पत्ता, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालकर हम सबको अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट और सौते कर लेंगे। तरबूज के छिलके की सब्जी तैयार है। फिर किस बात की देरी करें, इसे एंजॉय चावल के साथ या रोटी के साथ। यहाँ पर आपको एक टिप बताना चाहती हूँ। आप इस तरबूज के छिलके को इस तरह से काट के जिप लॉक में बंद करके 1 महीने तक फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े इसकी सब्जी बना सकते हैं। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।